दोस्तों, आप जब किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं, किसी भी कंपनी के ओनरशिप को बाय करते हैं, उस कंपनी का शेयर को खरीद के, तो आप उसके लिए बहुत जरूरी होता है कि आप सही टाइम पे जाके उस कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स को देखें, ताकि आपको पता चले कि वो कंपनी फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे कैसा परफॉर्म कर रही है, और जब बिजनेस में कोई ना कोई रिस्क होता है तो उस केस में उस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया और उस सिचुएशन को कैसा टैकल किया। और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब भी किसी कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट आता है तो आप उसको उसके कॉम्पिटिटर्स के साथ कंपेयर करें, ताकि आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो भी सिचुएशन थी जिसका बुरा असर पूरी मार्केट पे हुआ था, तो क्या उसका बुरा असर उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री पे हुआ था या नहीं हुआ था। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, और हम बात करेंगे चार कंपनीज की, और वो चार कंपनीज का नाम है विप्रो, टीसीएस, इंफोसिस और एचडीएफसी बैंक। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल पे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के ऊपर हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के ऊपर डालते हैं, जो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर बनने में काफी ज्यादा हेल्प कर सकता है। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, और सबसे पहले बात करते हैं 3 IT कंपनीज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में, और हम ट्राई करेंगे उनको कंपेयर करें बाकी कंपनीज के साथ, ताकि आपको एक अच्छा आइडिया लगे कि पूरी आईटी सेक्टर में जो फाइनेंशियल रिजल्ट आए थे वो कैसे रहे थे। दोस्तों, आपको ये तो पता ही है कि जब से आईटी कंपनीज के रिजल्ट आने शुरू हुए हैं, तो सभी कंपनी जो आईटी सेक्टर को बिलोंग करती हैं वो ऊपर को ट्रेड करना स्टार्ट कर गई, क्योंकि जितना एनालिस्ट को लगा था कि यहाँ पे नेगेटिव इंपैक्ट होगा कंपनीज की अर्निंग पे, उतना नेगेटिव इंपैक्ट हमें किसी भी कंपनी के अर्निंग में नहीं देखने को मिला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं तीनों कंपनीज के फाइनेंशियल रिजल्ट्स के बारे में। बात करना, तो सबसे पहले अगर विप्रो की बात करें तो विप्रो ने जो अपना रेवेन्यू रिपोर्ट किया है वो नंबर निकल के आता है 14,923 करोड़ का। लेकिन जैसे कि मैं आपको हमेशा से बताता आया हूं कि जब भी आप किसी कंपनी का रेवेन्यू देखते हैं तो उस रेवेन्यू को लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर के रेवेन्यू के साथ कंपेयर करें, ताकि आपको समझ में आएगा कि पिछले साल इस कंपनी ने कैसा परफॉर्म किया था। तो जो विप्रो का इस साल का नंबर निकल के आता है 14,923 करोड़, अगर हम उसको एक साल पीछे वाले रेवेन्यू से कंपेयर करें, जो एक साल पहले विप्रो का रेवेन्यू था 14,786 करोड़, तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि जो ईयर ऑन ईयर इंक्रीमेंट हुआ है टोटल रेवेन्यू में, वो 0.93% का इंक्रीमेंट हमें देखने को मिला है। मतलब कि एक ऐसी सिचुएशन में जब सारी कंपनीज का रेवेन्यू नीचे जाना स्टार्ट हुए थे तो विप्रो का एक्चुअल रेवेन्यू ऊपर गया था बाय 0.93%। वहीं पे अगर मैं रेवेन्यू के बाद अगर मैं बात करूं नेट प्रॉफिट की, कि प्रॉफिट कैसा परफॉर्म किया विप्रो का, तो विप्रो ने प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 2408 करोड़ का। अगर मैं उसको कंपेयर करूं लास्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर के साथ, तब विप्रो ने अपना जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया था वो था 2403 करोड़ के आसपास का। तो यहाँ पे रेवेन्यू में जो हम इंक्रीमेंट देखने को मिलता है वो है 0.93% का, और जो प्रॉफिट में हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है वो है 0.19% का। मतलब कि विप्रो ने कहीं ना कहीं एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एज कम्पेयर टू अदर कंपनी जो बाकी इंडस्ट्रीज को बिलोंग करती है, क्योंकि विप्रो के केस में हमें देखने को मिलता है कि इनका रेवेन्यू भी मार्जिनली इंक्रीज होता है और इनका प्रॉफिट भी मार्जिनली इंक्रीज होता है। चलिए बात करते हैं टाटा कंसल्टेंसी सर्विस के बारे में, कि उन्होंने अपना रेवेन्यू कितना रिपोर्ट किया। टीसीएस के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो टीसीएस इंडिया की सबसे बड़ी आईटी कंपनी है और इंडिया की सबसे बड़ी कंपनीज इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन में एक कंपनी निकल के आती है टीसीएस। टीसीएस के अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो टीसीएस का रेवेन्यू निकल के आता है 38,322 करोड़ का। एक साल पहले टीसीएस का जो रेवेन्यू था वो था 38,172 करोड़ के आसपास का। तो यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि टीसीएस के रेवेन्यू में जो इंक्रीमेंट है वो है 0.39% के आसपास का। लेकिन यहाँ पे इनका रेवेन्यू तो बढ़ गया, वहीं पे अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो इन्होंने जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया है इस क्वार्टर के अंदर, तो वो वैल्यू निकल के आती है 7049 करोड़ के आसपास की। इसको अगर एक साल पहले वाले प्रॉफिट के साथ कंपेयर करें, एक साल पहले टीसीएस ने जो प्रॉफिट रिपोर्ट किया था तो उसकी वैल्यू थी 8153 करोड़। तो टीसीएस के केस में हमें देखने को मिलता है कि इनका जो रेवेन्यू था वो तो इंक्रीज हुआ है बाय 0.39%, लेकिन जो इनका नेट प्रॉफिट था वो डिक्रीज होता है बाय 13.54% के आसपास का। तो टीसीएस के केस में रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है लेकिन इनका नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ है, अगर हम इनको ईयर ऑन ईयर सेम क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो। दोस्तों, अगर हम टीसीएस के बाद बात करें इंफोसिस की, जो कि इंडिया की सेकंड लार्जेस्ट आईटी कंपनी है, तो ये अपना रेवेन्यू रिपोर्ट करती है 23,665 करोड़ के आसपास का। एक साल पहले की अगर मैं बात करूं तो इनका रेवेन्यू निकल के आता था एक साल पहले 21,803 करोड़। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे एक इंक्रीमेंट देखने को मिलता है 8.54% के आसपास का।
वहीं पे अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो जो इंफोसिस ने अपना प्रॉफिट रिपोर्ट किया है इस पर्टिकुलर क्वार्टर के अंदर 4272 करोड़ की, एक साल पहले के नंबर के साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो एक साल पहले इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट रिपोर्ट किया था 3800 करोड़ के आसपास का। तो इंफोसिस के केस में जो इनका नेट प्रॉफिट है वो एक बहुत अच्छे परसेंटेज से इंक्रीज होता है, जो परसेंटेज बन जाती है 12.36% के आसपास की। तो इंफोसिस की अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो इनका रेवेन्यू भी सभी बाकी आईटी कंपनीज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो हुआ है, जो परसेंटेज है 8.54%। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो इंफोसिस का जो नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है वो बाकी आईटी कंपनीज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा परसेंटेज से ग्रो हुआ है, जो नंबर निकल के आता है 12.36% के आसपास का। तो दोस्तों ये तो मैंने बात की तीन कंपनीज के रेवेन्यू के बारे में और उनके प्रॉफिट के बारे में, लेकिन मैं आपको हमेशा से बताता आया हूँ कि किसी कंपनी के लिए उनके रेवेन्यू और प्रॉफिट के अलावा भी बहुत से ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जिनके ऊपर आपको क्वार्टरली रिजल्ट में बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे कि आईटी सेक्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन का, कि अगर हम बाकी इंपॉर्टेंट एक्सपेंसेस को निकाल दें तो इनका मार्जिन कितने परसेंट का निकल के आता है। चलिए बात करते हैं तीनों कंपनीज के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की और ट्राई करते हैं तीनों को कंपेयर करने का। सबसे पहले हम बात करते हैं विप्रो के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, जो निकल के आता है 20.54%। वहीं पे अगर हम टीसीएस के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो ये नंबर निकल के आता है 26.8% और 25.08% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है इंफोसिस का। अगर मैं तीनों को वापस से कंपेयर करके आपको बताऊं तो सबसे अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन निकल के आता है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस का, उसके बाद सबसे अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन माना जाता है इंफोसिस का, और तीसरे नंबर पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के केस में बन जाता है विप्रो। दोस्तों इसके बाद अगर मैं डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करूं तो डेट टू इक्विटी रेशियो टीसीएस और इंफोसिस के केस में जीरो बन जाता है, कि इनके पास डेट है वो बहुत ही नॉमिनल है, जो कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट के कंपैरिजन में जीरो को माना जाता है। उसके अलावा अगर मैं विप्रो की बात करूं तो इनका डेट टू इक्विटी रेशियो निकल के आता है 0.05 का। चलिए दोस्तों सबसे एंड में बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी की, कि ये तीन कंपनीज ने अपने इक्विटी होल्डर्स को कैसा रिटर्न बना के दिया है, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर बन जाता है। तो अगर मैं रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करूं तो रिटर्न ऑन इक्विटी में सबसे पहले नाम आता है विप्रो का, जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी निकल के आता है 15.95% का। इसके बाद मैं बात करता हूं इंफोसिस की, इंफोसिस का आरओई परसेंटेज निकल के आता है 23.71% का, जो कि काफी अच्छा नंबर है एज कम्पेयर टू विप्रो। लेकिन अगर मैं बात करूं इस सेक्टर की सबसे बड़ी आईटी कंपनी की, जिसका नाम है टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, तो उनका आरओई परसेंटेज जो है दोस्तों वो 35.18% का निकल के आता है, जो अपने पीयर्स को बहुत अच्छे तरीके से आउट परफॉर्म करता है। तो दोस्तों ये तो बात हुई इंडिया की टॉप 3 आईटी कंपनीज के बारे में। मैंने आपको बताया उनके परफॉर्मेंस के बारे में, उनके रेवेन्यू के बारे में, प्रॉफिट के बारे में। इसके बाद हमने बात की उनके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में। तो अगर आप अलग अलग पैरामीटर्स को देखोगे तो अलग अलग पैरामीटर्स में अलग अलग कंपनी अपने सारे पीयर्स को आउट परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचना है तो मैं एडवाइस करूंगा कि आप अपने एक अच्छे से रिसर्च करें और उसके बाद आप डिसाइड करें कि इन तीन कंपनीज में से आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है, और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचें। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के बारे में। एचडीएफसी बैंक का भी क्वार्टरली रिजल्ट निकल के आया था थोड़ा दिन पहले ही, और रिजल्ट आने के बाद जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे था उस दिन एचडीएफसी बैंक का जो शेयर प्राइस था ऑलमोस्ट 3-4% ऊपर चला गया था, मतलब कि मार्केट को लगा था कि उनका क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छा निकल के आया है। तो चलिए अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में। एचडीएफसी बैंक के रिजल्ट की बात करें तो ओवरऑल रिजल्ट एचडीएफसी बैंक का काफी ज्यादा आउटस्टैंडिंग रहा है। सबसे पहले मैं बात करता हूं नेट प्रॉफिट की, तो जो नेट प्रॉफिट एचडीएफसी बैंक ने इस क्वार्टर में रिपोर्ट किया है वो नंबर निकल के आता है 6658 करोड़ के आसपास का। उसको अगर मैं लास्ट क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर के साथ कंपेयर करता हूं तो ये नंबर था 5568 करोड़। तो नेट प्रॉफिट के केस में यहाँ पे हमें इंक्रीमेंट देखने को मिलता है 19.6% के आसपास का, जो कि काफी अच्छा नंबर निकल के आता है। इसके बाद हम बात करते हैं बैंकिंग सेक्टर में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी होती है टोटल डिपॉजिट, कि डिपॉजिट कैसे ग्रो किए हैं किसी भी बैंक के। एचडीएफसी बैंक के केस में एचडीएफसी बैंक ने जो इस क्वार्टर में अपने टोटल डिपॉजिट्स को रिपोर्ट किया है वो नंबर निकल के आता है 11,89,000 करोड़ के आसपास का। इसको अगर हम लास्ट क्वार्टर के साथ कंपेयर करते हैं तो ये नंबर स्टैंड करता था 9.54 लाख करोड़ के आसपास का। तो टोटल डिपॉजिट्स में हमें एक इंक्रीमेंट देखने को मिलता है 24.6% के आसपास का, मतलब कि एक बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिलता है टोटल डिपॉजिट्स के केस में। इसके बाद अगर हम बात करें टोटल एडवांसेस की, जिसके ऊपर बैंक को काफी अच्छी अर्निंग देखने को मिलती है, तो एचडीएफसी बैंक के केस में जो टोटल एडवांसेस हैं वो इस क्वार्टर में स्टैंड करते हैं 10 लाख करोड़ के ऊपर। वहीं पे अगर मैं इसको लास्ट क्वार्टर के साथ कंपेयर करता हूं ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, तब ये नंबर हुआ करता था 8.29 लाख के आसपास का। तो
तो यहाँ पे भी हमें एक इंक्रीमेंट देखने को मिलता है 21% के आसपास का। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करता हूँ नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो HDFC बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम ग्रो करता है 17.8% के आसपास से। तो इसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट की, तो इनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रो करता है 15.1% से। अगर मैं इस क्वार्टर की बात करूँ तो इन्होंने अपना ऑपरेटिंग प्रॉफिट रिपोर्ट किया है 12,829 करोड़ के आसपास का। इसके बाद दोस्तों अब मैं बात करता हूँ डिफरेंट रेशियोज के बारे में जो किसी भी बैंक के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सबसे पहली रेशो कासा रेशो, करंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट। जैसे कि मैंने आपको हर बार बताया कि हर अच्छा बैंक ट्राई करता है कि उसकी कासा रेशो 40% से ऊपर रहे, और इसके चलते HDFC बैंक ने बताया कि उनकी जो कासा रेशो है वो 40% के आसपास की है। वहीं पर अगर हम ग्रोस एनपीए की बात करें तो HDFC बैंक का जो ग्रोस एनपीए निकल के आता है वो है 1.36% के आसपास, जो कि एक ठीक ठाक नंबर है एज कम्पेयर टू अदर इट्स पीयर्स एंड कॉम्पिटिटर्स। बात करते हैं कैपिटल एडुकेसी रेशियो की, जो कॉम्प्लायंस पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है किसी भी बैंक के लिए। तो HDFC बैंक बताता है कि जो उनका कैपिटल एडुकेसी रेशियो है वो है 18.9% का, जो कि काफी अच्छा परसेंटेज है एज कम्पेयर टू रिक्वायरमेंट्स। जो रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स बोलती है वो 12% के आसपास का बोलती है, जिसके कंपेरिजन में HDFC बैंक ने अपने कैपिटल एडुकेसी रेशियो को काफी अच्छे तरीके से मेंटेन करके रखा है। एट द एंड में बात करता हूँ नेट इंटरेस्ट मार्जिन की, HDFC बैंक रिपोर्ट करता है अपना नेट इंटरेस्ट मार्जिन अराउंड 4.3%, जो वहां पे हमें एक ठीक ठाक इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर। तो दोस्तों जो हम आज की वीडियो लेके आए थे प्योरली एजुकेशनल पर्पज के लिए लेके आए थे, हम आपको सिर्फ ये बताना चाहते थे कि अगर आपको नहीं पता चला कि कौन सी कंपनीज का क्वार्टरली रिजल्ट आया है और आपको किसी भी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट को कैसे देखना चाहिए, तो ये वीडियो देख के आपको एक आइडिया लग गया होगा कि क्वार्टरली रिजल्ट आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट होता है और कौन कौन से पैरामीटर्स को देख के आप IT सेक्टर का और डिफरेंट बैंक्स के आप क्वार्टरली रिजल्ट को कंपेयर कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं, आपने किसी कंपनी को ओनरशिप को बाय किया है, तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको पता हो कि उस कंपनी का क्वार्टरली रिजल्ट कैसा निकल के आया है। क्योंकि बहुत केस ऐसे होते हैं कि बहुत बार आपको क्वार्टरली रिजल्ट में आपको रेड फ्लैग्स देखने को मिल सकते हैं, जिसके बाद आप किसी भी कंपनी से एक परफेक्ट एग्जिट ले सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएंगे ये चार कंपनीज में से आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है जिसमें आपको लगता है कि आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। लेकिन दोस्तों मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने कमेंट के साथ अपना रीजन भी दें, ताकि आपके कमेंट से बाकी व्यूअर्स को सीखने को मिले और हम एक अच्छी कम्युनिटी बना सकें जहां पे हम एक दूसरे से सीख सकें। अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब करें। हैप्पी इन्वेस्टिंग।